नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बारिश की वजह से शमशान घाट की छत गिरने से एक बड़ा हादसा सामने आया है। हादसे में काफी संख्या में लोग शमशान घाट की छत के नीचे दबे बताए जा रहे हैं। मौके पर जिला प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने हादसे में अभी तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि की है। साथ ही हादसे में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सीएम योगी ने जिला प्रशासन से इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना दुखद है, मेरी संवेदना शोक में डूबे परिजनों के साथ है। इसके अलावा मंडल आयुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर पहुंचे हैं और राहत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हादसे में घायल लोगों का सही इलाज सुनिश्चित कराए। मुख्यमंत्री योगी ने इस हादसे में मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से कई लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। रविवार को राजभवन से जारी बयान के मुताबिक राज्यपाल पटेल ने मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने के हादसे में हुई लोगों की मौत पर शोक जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की है और परिजनों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।